কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर गोदावरी अपवाह तंत्र। पीछे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है क्या? गोदावरी अपवाह तंत्र। मैं विनय सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपको क्या करा रहे हैं, संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी। और कैसे? तो एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू भी कैसा? तो एमसीक्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो आपको क्या करेगा, सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक, कल का वीडियो हमारा क्या था? तो महानदी अपवाह तंत्र पर था। महानदी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया, जाना कि महानदी कहाँ से उद्गमित होता है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होता है, कौन कौन सी महानदी की सहायक नदियाँ हैं, महानदी के सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वह भी कौन कौन से जिलों से प्रभावित होती है। ठीक, इन सभी चीजों के बारे में हमने क्या किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है, गोदावरी अपवाह तंत्र। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए गोदावरी अपवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है और कितना प्रतिशत है। जल्दी से बताइए कमेंट में कितना क्षेत्रफल है और कितना प्रतिशत है, जल्दी जल्दी बताइए। आगे फिर हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे, गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, गोदावरी नदी के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। क्या बोल रहा है? गोदावरी नदी के संबंध में असत्य कथन पहचानने बोल रहा है आपको। क्या बोल रहा है? असत्य कथन पहचानने बोल रहा है। पहला बोल रहा है गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नागपुर से हुआ है। दूसरा बोल रहा है यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। तीसरा बोल रहा है राजमुंद्री में यह नदी बंगाल के खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। और चौथा बोल रहा है भद्रकाली बीजापुर में इंद्रावती नदी गोदावरी में मिल जाती है। भद्रकाली बीजापुर में इंद्रावती नदी जो है वो क्या हो जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। समझ में आ गया? क्या छांटना है अपने को? असत्य कथन छांटना है। चलो चर्चा करते हैं इन सभी कथनों के ऊपर। पहला कथन क्या बोल रहा है, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नागपुर से होता है बोल रहा है। तो क्या नागपुर से होता है? नहीं, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से होता है। कहां से होता है? नासिक से होता है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहां है? महाराष्ट्र के अंतर्गत नासिक में है, है ना, न कि नागपुर में। तो पहला ही कथन क्या हो जा रहा है आपका, असत्य हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है। चलो अगले और कथनों पर भी चर्चा कर लेते हैं। यह क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होता है। बिल्कुल होता है, अभी मैं बताऊंगा एक फ्लो चार्ट आपको, जिसमें आप देखेंगे कि यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, प्रवाहित होता है। राजमुंद्री में यह नदी बंगाल के खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो राजमुंद्री है वहां पर यह जो नदी है क्या हो जाती है, तो बंगाल के खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। फिर क्या, भद्रकाली बीजापुर में इंद्रावती नदी गोदावरी से मिल जाती है। ठीक है, इंद्रावती जो नदी है वो किससे मिल जा रही है, गोदावरी से मिल जा रही है। कहां पर? भद्रकाली में। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नागपुर से हुआ है। नागपुर से नहीं, कहां से हुआ है, नासिक से हुआ है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी तो है लेकिन क्या, नासिक में, ना कि नागपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इंद्रावती नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? तो इंद्रावती नदी मुंगेर पर्वत से उद्गमित होती है। दूसरा बोल रहा है यह नदी छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, या छत्तीसगढ़ में कौन से जिले से प्रवेश कर रही है, तो बस्तर जिले से प्रवेश कर रही है।
छत्तीसगढ़ के तीन जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में प्रवाहित होती है। और चौथा बोल रहा है गुडरा नदी बस्तर में इंद्रावती से, ठीक है, किससे? इंद्रावती से मिल जाती है। ये चार कथन है और अपने को क्या करना है, सत्य कथनों की पहचान करनी है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। चलो छांटिए आप लोग, सत्य कथन छांटिए, फिर हम क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लगा लिए आंसर आप? नहीं लगाए हैं? चलो पहले अपन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं किसके बारे में, गोदावरी इंद्रावती अपवाह तंत्र के बारे में, कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गोदावरी इंद्रावती जो अपवाह तंत्र है वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है ना। देखते हैं पहला, सबसे पहले देखिए आप कि जो इंद्रावती नदी है, एक पर्वत है उड़ीसा के अंतर्गत जिसका नाम है मुंगेर पर्वत, ठीक है, कौन सा पर्वत? मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत, काला हांडी, क्या आपका काला हांडी उड़ीसा से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है इंद्रावती। क्या है नाम इसका? इंद्रावती। मुंगेर पर्वत, काला हांडी, उड़ीसा से कौन सी नदी निकल रही है? तो निकल रही है आपकी इंद्रावती नदी। ये जो इंद्रावती नदी है ये छत्तीसगढ़ में, कहां? छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है बस्तर जिले से, ठीक है, कौन से जिले से प्रवेश करती है? बस्तर जिले से प्रवेश करती है, मतलब उड़ीसा के उपरांत छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश कर रही है? तो बस्तर जिले में प्रवेश कर रही है। और जैसे ही ये नदी बस्तर जिले में प्रवेश करती है तो इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नारंगी नदी। कौन सी नदी? नारंगी नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? तो नारंगी नदी आकर मिलती है। कहां पर? बस्तर में। किससे मिलती है? तो इंद्रावती नदी से मिलती है। अब ये जो नारंगी नदी है कहां से निकलती है? तो ये नारंगी नदी आपका माकड़ी पहाड़ी, कोंडा गांव से निकलती है। माकड़ी पहाड़ी, कोंडा गांव से निकलती है। कौन सी नदी? आपकी नारंगी नदी। और इसी नारंगी नदी के किनारे ही क्या है आपका? कोंडा गांव जो शहर है वो बसा हुआ है। नारंगी नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है आपका? कोंडा गांव शहर बसा हुआ है, समझ गए। इसके बाद ये जो नदी है, कौन सी नदी आपकी? इंद्रावती नदी, ये बस्तर से प्रवेश करती है दंतेवाड़ा में। कहां प्रवेश करती है? दंतेवाड़ा में, है ना। जब दंतेवाड़ा में ये नदी प्रवेश करती है, कौन सी नदी? इंद्रावती। तब इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बोरडिंग नदी। कौन सी नदी? बोरडिंग नदी। अब बोरडिंग नदी जो है ये भी कोंडा गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? कोंडा गांव से निकलती है, परंतु कहां? दंतेवाड़ा में आकर किससे मिलती है? तो ये इंद्रावती नदी से मिलती है। इसके उपरांत जो इंद्रावती नदी है उसमें दंतेवाड़ा में ही, कहां पर? दंतेवाड़ा में ही एक नदी मिलती है जिसका नाम है गुडरा नदी। कौन सी नदी? गुडरा नदी। और गुडरा नदी आपको पता है कहां से निकलता है? तो अबू झमाड़, कहां से? अबू झमाड़ पहाड़ी, नारायणपुर से निकलती है। और दंतेवाड़ा में आकर किससे मिल जाती है? तो दंतेवाड़ा में आकर ये जो गुडरा नदी है वो इंद्रावती नदी से मिल जाती है, समझ में आ गया। इसके उपरांत इंद्रावती नदी में दंतेवाड़ा में ही, कहां पर? तो दंतेवाड़ा में ही क्या होता है? एक पहाड़ी है आपका बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला। और इस बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है संखिनी नदी। कौन सी नदी? संखिनी नदी। नाम क्या है? संखिनी नदी।
और दंतेवाड़ा के अंतर्गत ही एक और पहाड़ी जिसका नाम है डांगरी डोंगर की पहाड़ी, डांगरी डोंगर पहाड़ी। इस डांगरी डोंगर पहाड़ी से निकलता है डंकिनी नदी। कौन सी नदी? डंकिनी नदी। ठीक, डांगरी डोंगर पहाड़ी से क्या? डंकिनी नदी। और बेलाडीला पहाड़ी से क्या? संखनी नदी। ये जो डंकिनी नदी है और संखनी नदी है, ये इन दोनों का संगम होता है दंतेवाड़ा के अंतर्गत तराला ग्राम में। कहां पर? तराला ग्राम में। दंतेवाड़ा के अंतर्गत तराला ग्राम में जो संखनी नदी है वो किससे मिल जाती है? डंकनी नदी से मिल जाती है। इसके उपरांत ये जो डंकनी संखनी नदी है ये दंतेवाड़ा में किससे मिल जाती है? इंद्रावती नदी से मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी हो गई ये भी? तो ये भी हो गई इंद्रावती नदी की सहायक नदी। हालांकि आप देखें तो एक्चुअल जो संखनी नदी है वो डंकनी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? डंकनी नदी की सहायक नदी है। डंकनी नदी से जो संखनी नदी है वो दंतेवाड़ा के तराला ग्राम में मिलती है। और इसी संगम पर क्या है आपका? माता दंतेश्वरी का मंदिर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 1324 में काकती वंश के संस्थापक अन्नमदेव के द्वारा कराया गया था। ठीक, इसके बाद जो ये संखनी डंकनी नदी है ये कहां पर? तो दंतेवाड़ा में ही जाकर किससे मिल जाती है? इंद्रावती नदी से मिल जाती है। फिर दंतेवाड़ा के उपरांत ये जो इंद्रावती नदी है ये प्रवेश करती है कहां? बीजापुर में। कहां प्रवेश करता है? बीजापुर में प्रवेश करता है। और जब ये नदी बीजापुर प्रवेश करती है तब इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है निबरा नदी। कौन सी नदी? निबरा नदी। कहां पर मिलती है निबरा नदी? तो बीजापुर में मिलती है। और ये जो निबरा नदी है ये अंतागढ़, कहां? अंतागढ़ कांकेर से निकलती है। कहां से निकलती है? अंतागढ़ कांकेर से निकलती है निबरा नदी। और बीजापुर में आकर क्या होती है? ये निबरा नदी इंद्रावती नदी से मिल जाती है। फिर आगे बीजापुर में ही एक और नदी आकर मिलती है किससे? तो इंद्रावती से। और इस नदी का नाम है कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। और ये जो कोटरी नदी है ये निकलता है राजरा पहाड़ी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से कौन सी नदी निकल रही है? तो कोटरी नदी निकल रही है, जो कि बीजापुर में आकर किससे मिल जा रहा है? तो इंद्रावती नदी से मिल जा रहा है। इंद्रावती नदी पर बीजापुर में ही एक और नदी मिलती है और इसका नाम है चिंता वागु नदी। कौन सी नदी? चिंता वागु नदी। और ये जो चिंता वागु नदी है ये बीजापुर से ही निकलती है और बीजापुर में ही क्या हो जाती है? ये इंद्रावती नदी में मिल जाती है। इसके उपरांत हम क्या करते हैं? अब ये जो इंद्रावती नदी है इसको यहीं रोक देते हैं और चर्चा करते हैं गोदावरी के बारे में। तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कहां पर? तो नासिक। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में। ठीक, इस त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र के उपरांत फिर पहुंचती है कहां? तो ये पहुंचती है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक जगह का नाम आप याद रखना, भद्रकाली भोपालपट्टनम। भद्रकाली भोपालपट्टनम बीजापुर। भद्रकाली भोपालपट्टनम बीजापुर पहुंचती है कौन सी नदी आपकी? तो गोदावरी नदी। और जब गोदावरी नदी कहां पहुंच रही है? भद्रकाली भोपालपट्टनम बीजापुर पहुंच रही है, तब यहीं पर जो इंद्रावती नदी है वो क्या होती है? इस गोदावरी नदी से आकर मिलती है। फिर कौन से अपवाह तंत्र का निर्माण हो रहा है यहां से? अब गोदावरी इंद्रावती अपवाह तंत्र का निर्माण हो रहा है। तो गोदावरी और इंद्रावती नदी का संगम कहां पर हो रहा है? तो भद्रकाली भोपालपट्टनम बीजापुर में हो रहा है। समझ में आ गया?
क्लियर है यहां तक। अब इसके उपरांत जो गोदावरी नदी है, कौन सी नदी है आपकी, जो गोदावरी नदी है ये पहुंचती है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के उपरांत कहां पहुंच रहा है ये, तेलंगाना पहुंच रहा है, और तेलंगाना के उपरांत फिर गोदावरी नदी जो है ये पहुंचती है आंध्र प्रदेश, कहां पहुंचता है आंध्र प्रदेश, कहां पहुंचता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है कुनावरम, ठीक है, क्या है जगह, कुनावरम या कोरावरम। इस कुनावरम नामक स्थान पर जब कौन सी नदी पहुंच रही है, आपकी गोदावरी नदी पहुंच रही है, तब एक पहाड़ी है जिसका नाम है नंदपुर पर्वत, ठीक, इस नंदपुर पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सबरी नदी। ये जो नंदपुर पर्वत है उड़ीसा के अंतर्गत, इससे निकलती है सबरी नदी, और सबरी नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रवाहित होने के उपरांत सुकमा जिला से निकलकर फिर ये कहां पहुंचती है, तो ये आंध्र प्रदेश पहुंचती है, और आंध्र प्रदेश में जाकर इस कुनावरम नामक स्थान पर क्या हो जाती है, सबरी नदी वो गोदावरी नदी से मिल जाती है, ठीक है, किससे मिल जाती है, गोदावरी नदी से मिल जाती है। इसके उपरांत जो गोदावरी नदी है ये कुनावरम के उपरांत पहुंचता है राजमुंदरी में, कहां पहुंचता है राजमुंदरी, और इस राजमुंदरी में जो गोदावरी नदी है वो क्या हो जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। समझ में आ गया, क्लियर है पूरा, गोदावरी इंद्रावती अपवाह तंत्र। इंद्रावती सबसे पहले कहां से निकल रहा है, मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से निकल रहा है। इसके उपरांत उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम कौन से जिले में प्रवाहित हो रहा है, तो सर्वप्रथम हो रहा है बस्तर जिले में प्रवाहित हो रहा है, सॉरी सबसे पहले कहां पहुंच रहा है, तो बस्तर जिले में पहुंच रहा है। जब बस्तर जिले में यह पहुंचता है तो बस्तर जिले में कौन सी एक नदी मिलती है इससे, नारंगी नदी, और नारंगी नदी कहां से निकल रही है, तो माकड़ी पहाड़ी कोंडा गांव से निकल रही है। कोंडा गांव शहर कौन से नदी किनारे, तो किस नदी के किनारे, तो नारंगी नदी के किनारे। समझ में आ गया, फिर बस्तर से ये नदी मतलब इंद्रावती नदी कहां पहुंच रही है, तो बस्तर से ये पहुंच रही है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में इससे कौन सी नदी मिल रही है, तो बोर्डिंग नदी मिल रही है। बोर्डिंग नदी भी कहां से निकल रही है, तो कोंडा गांव से निकल रही है। फिर दंतेवाड़ा में ही कौन सी एक नदी मिल रही है, तो गुडरा नदी निकल रही है। गुडरा नदी आकर क्या हो रहा है, अबूझमाड़ पहाड़ी से निकलकर आकर दंतेवाड़ा में क्या हो जा रहा है, इंद्रावती नदी से मिल जा रहा है। फिर क्या देखें अपन, दंतेवाड़ा में ही जो बैलाडीला की पहाड़ी है उससे एक नदी निकल रही है संखनी नदी, और जो डांगरी डोंगर की पहाड़ी है उससे एक निकल रही है डंगरी नदी, और ये जो डंकनी नदी है इससे संखनी नदी तराला ग्राम में मिल जा रही है, जहां पर माता दंतेश्वरी का मंदिर है, है ना, माता दंतेश्वरी का मंदिर है, जो कि देश का क्या है, 52वां शक्ति पीठ है। फिर ये नदी जाकर किससे मिल जा रही है, तो ये नदी जाकर मिल जा रही है इंद्रावती नदी से। इसके बाद ये नदी कहां पहुंच गई, बीजापुर पहुंच गई, और बीजापुर जब पहुंचती है तब इससे कौन सी नदी मिलती है, तो निबरा नदी मिलती है, और निबरा नदी कहां से निकल रहा है, तो अंतागढ़ कांकेर से निकल रहा है। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, बीजापुर में एक और नदी मिल रही है इससे, जिसका नाम है क्या, कोटरी नदी, और कोटरी नदी जो है वो कहां से निकल रहा है, तो राजरा पहाड़ी मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी से निकल रहा है, और बीजापुर में आकर क्या हो जा रहा है, वो जो है इंद्रावती नदी में मिल जा रहा है। फिर हम क्या कर दिए थे, एक देखे थे चिंतावांगू नदी, और चिंतावांगू नदी भी क्या हो जा रहा है, बीजापुर में ही इंद्रावती नदी से मिल जा रहा है, और चिंतावांगू नदी निकल कहां से रहा है, उद्गम कहां से हो रहा है उसका, तो बीजापुर से ही हो रहा है, और बीजापुर में ही वो क्या हो जा रहा है, तो इंद्रावती नदी से मिल जा रहा है। फिर हम क्या देखें कि एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, कहां पर, नासिक महाराष्ट्र में, और इस नासिक महाराष्ट्र के अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या, गोदावरी नदी, और ये जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र से निकलने के उपरांत छत्तीसगढ़ में कहां प्रवेश कर रहा है, बीजापुर के अंतर्गत भद्रकाली भोपालपट्टनम में, और जब भद्रकाली भोपालपट्टनम प्रवेश करता है तो जो ये इंद्रावती नदी है ये इसी भद्रकाली नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, तो गोदावरी नदी से मिल जाती है। समझ में आ गया, ठीक। फिर ये जो गोदावरी नदी है ये कहां चले जाते हैं छत्तीसगढ़ के बाद, तेलंगाना,
तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कुनावरम, कुनावरम या कोरावरम, और जब कोरावरम पहुंचता है तो नंदपुर के अंतर्गत नंदपुर उड़ीसा से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या, सबरी नदी, और वो सबरी नदी इस कुनावरम नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, तो गोदावरी नदी से मिल जाती है। फिर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही एक जगह क्या, राजमुंद्री, और इस राजमुंद्री जिले में जो आपका गोदावरी नदी है वो बे ऑफ बंगाल में क्या हो जा रहा है, विसर्जित हो जा रहा है। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है सब कुछ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंद्रावती के संबंध में कथनों पर विचार करें बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पहला, इंद्रावती नदी मुंगेर पर्वत से उद्गमित होता है। जस्ट देखा भी हमने कि हाँ बिल्कुल, इंद्रावती जो नदी है वो कहां से उद्गमित हो रहा है, तो ये मुंगेर पर्वत से उद्गमित हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, यह नदी छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले से प्रवेश करती है। बिल्कुल, बस्तर जिले से ही प्रवेश करती है ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के तीन जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में प्रवाहित होती है, तो यह भी सही है। हमने देखा था कि बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में क्या होती है, इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, और बीजापुर के अंतर्गत भद्रकाली नामक स्थान पर क्या हो जाता है, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। फिर हम क्या देख रहे थे, गुडरा नदी बस्तर में इंद्रावती नदी से मिल जाती है। बस्तर में मिल रही थी क्या, नहीं, दंतेवाड़ा में मिल रही थी। इसलिए चौथा कथन क्या हो जा रहा है आपका, असत्य हो जा रहा है। बस्तर में नहीं, इंद्रावती नदी से जो गुडरा नदी है वो दंतेवाड़ा में मिलती है। कहां पर मिलती है, दंतेवाड़ा में मिलती है। आप देख रहे हैं कि जो इंद्रावती नदी है ये बस्तर संभाग के बीचों बीच बह रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंद्रावती नदी है वो संपूर्ण बस्तर संभाग को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, या बस्तर संभाग का बोल सकते हो विभाजन कर देता है। जैसे कि शिवनाथ नदी जो है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ को क्या करता है, 18-18 गढ़ों में उत्तर एवं दक्षिण में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। उसी प्रकार सिर्फ अगर बस्तर संभाग की बात करें तो आप क्या लगाएंगे कि जो इंद्रावती नदी है वो बस्तर संभाग को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बनाइए, 1, 2 और 3 सही है, और अपने को छांटना क्या है, सत्य कथन छांटना है। कहां पर दिख रहा है 1, 2, 3 आपको, सी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है, इंद्रावती नदी के संबंध में तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। फिर से कुछ कथन दिए गए हैं आपको, और इन कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, इस नदी की प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। क्या है, जस्ट अभी हमने सारा प्रवाह का दिशा पढ़ा इंद्रावती नदी, तो हम देखे थे कि जो ये इंद्रावती नदी है ये उड़ीसा, उड़ीसा से बहकर आ रहा है, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में, और उड़ीसा से बहकर आ रहा है कहां, छत्तीसगढ़ में, प्रवेश कहां से कर रहा है, बस्तर से, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर। तो आपने देखा कि बस्तर से प्रवेश कर रहा है और बीजापुर तक आ रहा है, और बीजापुर क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो प्रवाह की दिशा सही हो रही है कि ए नदी को जो प्रवाह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। बिल्कुल सत्य हो रहा है यह कथन, बिल्कुल यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जो पहला कथन है क्या है, बिल्कुल सही है कि यह जो नदी है इसके प्रवाह की दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। समझ में आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, जगदलपुर, बचेली, भोपालपट्टनम इंद्रावती नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थल है। तीसरा क्या बोल रहा है, इस पदीप हो गया है ये, इसको नदी कर लेना आप, ठीक है, नदी, इस नदी पर दंतेवाड़ा में बोधघाट एवं बीजापुर में कोसार टेडा परियोजना है। क्या क्या है, इस नदी पर दंतेवाड़ा में बोधघाट एवं बीजापुर में कोसार टेडा परियोजना है। चौथा क्या बोल रहा है, इस नदी पर दंतेवाड़ा में सात देवधारा जलप्रपात है। तो पहला कथन तो सही हो गया, हमको छांटना क्या है, असत्य कथन छांटना है। अभी तक जो आप फ्लो चार्ट पढ़े गोदावरी इंद्रावती का, उसमें आपको एक कथन यहां पर समझ में आ गया कि ये जो नदी है इसके प्रवाह की दिशा कैसी है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो आप देख लीजिए इसमें एक कहां कहां पर है, तो पहले ऑप्शन में एक है, अपने को छांटना क्या है, असत्य कथन छांटना है, और ये क्या है, सत्य है। तो पहला ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं कि पहला जो ए है वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब विचार करते हैं अगले कथनों पर, जगदलपुर, बचेली और भोपालपट्टनम इंद्रावती नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल है। तो जगदलपुर और भोपालपट्टनम तो है ना, जगदलपुर बस्तर जिला में और भोपालपट्टनम बीजापुर जिला में, लेकिन जो बचेली है दंतेवाड़ा वाला ये नहीं है, किसके किनारे, इंद्रावती नदी के किनारे, ठीक है। दंतेवाड़ा के अंतर्गत एक जगह है बारसूर,
और ये बार सुर है किसके किनारे, इंद्रावती नदी के किनारे। तो दूसरा कथन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। जगदलपुर बचेली भोपालपट्टनम इंद्रावती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है, है ना। तो जगदलपुर और भोपालपट्टनम तो है लेकिन बचेली नहीं है। बचेली की जगह पर कौन सा आपको ध्यान में रखना है, बारसूर ध्यान में रखना है। तीसरा, इस नदी पर दंतेवाड़ा में बोधघाट एवं बीजापुर में कोसार टेडा परियोजना है। तो ध्यान में रखना दंतेवाड़ा के अंतर्गत बोधघाट परियोजना है, कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर। लेकिन ये जो कोसार टेडा परियोजना है, कौन सी परियोजना, कोसार टेडा परियोजना, ये बीजापुर में नहीं है, ये कहां है, ये है कोसार टेडा परियोजना आपका बस्तर में। कहां पर है, बस्तर में। तो तीसरा कथन भी क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। चौथा क्या बोल रहा है, इस नदी पर दंतेवाड़ा में सात देवधारा जलप्रपात है। तो इस नदी पर मतलब इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा में सात देवधारा जलप्रपात नहीं है। ये जो सात देवधारा जलप्रपात है ये महासमुंद में है, ठीक है। कहां पर है, महासमुंद में है। और किस नदी पर है, तो बलमदेही नदी पर है। किस नदी पर है, बलम देही नदी पर है। किस नदी पर, बलम देही नदी पर है। क्लियर है यहां तक। तो दो तीन और जो चौथा कथन है वो क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है। और अपने को क्या जानना है, असत्य कथनों की पहचान करनी है। तो कौन कौन से कथन असत्य है आपके, दो तीन और चार। और दो तीन चार कहां पर नजर आ रहे हैं आपको, बी में नजर आ रहे हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गया, सिर्फ पहला जो कथन है वो क्या है, यहां पर सही है। क्लियर, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है बोल रहे हैं, ठीक है। क्या जानना है आपको, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, उत्प्लावी, सुंदराभूति, मंदगा और मंदाकिनी। क्या है इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं उत्प्लावी नदी, ये उत्प्लावी नदी तेल नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। कौन सी नदी का प्राचीन नाम है, तो तेल नदी का प्राचीन नाम है। सुंदराभूति, ये सोंढूर नदी का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है, सोंढूर नदी का प्राचीन नाम है। क्या आपका, सुंदराभूति। मंदगा, मंदगा जो है ये मांड नदी का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है, मांड नदी का प्राचीन नाम है। बताइएगा कि जो मांड नदी है ये कहां से निकलती है, कहां से इसका उद्गम होता है, और मांड नदी पर सरगुजा में कौन सा जलप्रपात स्थित है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं आप कि मांड नदी पर सरगुजा में कौन सा जलप्रपात स्थित है, जल्दी बताएं। और ये जो आप देख रहे हैं चौथा ऑप्शन आपका मंदाकिनी, यही मंदाकिनी क्या है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो मंदाकिनी है। और मंदगा किसका है, तो मांड का। सुंदराभूति सोंढूर, उत्प्लावी तेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है इंद्रावती नदी की कुल लंबाई कितनी है, इंद्रावती नदी की कुल लंबाई कितनी है पूछा जा रहा है आपको। जल्दी से आंसर दीजिए, इंद्रावती नदी की कुल लंबाई कितनी है, 308 किलोमीटर, 264 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। आंसर दीजिए, दे दिया आंसर, चलो चर्चा करते हैं, चर्चा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है 264 किलोमीटर, क्या नजर आ रहा है आपको, 264 किलोमीटर, 290 किलोमीटर और 286 किलोमीटर। तो जो 264 किलोमीटर है ये इंद्रावती की, किसकी, इंद्रावती की छत्तीसगढ़ में लंबाई है, छत्तीसगढ़ में लंबाई। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 264 किलोमीटर प्रवाहित होती है। क्लियर, जो 290 किलोमीटर दिख रहा है आपको ये शिवनाथ नदी की लंबाई है। कौन सी नदी की लंबाई है, शिवनाथ नदी की लंबाई है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, है ना। और ये जो 286 किलोमीटर दिख रहा है आपको ये छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई है। महानदी की लंबाई कहां पर, छत्तीसगढ़ में, महानदी की लंबाई किसकी, छत्तीसगढ़ में। तो
तो 286 किलोमीटर किसकी लंबाई है? महानदी की लंबाई है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। 290 किलोमीटर किसकी लंबाई? शिवनाथ नदी की। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी। 264 किलोमीटर क्या है? इंद्रावती नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है। और ये जो 308 किलोमीटर दिख रहा है आपको, ये इंद्रावती नदी की कुल लंबाई है। समझ में आ गया? और क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है कि आपको ये तो पता है कि 264 किलोमीटर इंद्रावती की जो लंबाई है वो कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। टोटल लंबाई कितना है? 308 किलोमीटर। कभी आपको आंसर पूछ देगा, ठीक है, ऐसा कभी क्वेश्चन दे देगा, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं दिया है, कि जो इंद्रावती नदी है वो उड़ीसा जिले में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, ऐसा आपको पूछ देगा। तो डाटा आप इसको याद रखना, क्यों? क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। आप हर प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप क्या कर पाए, उसका बिल्कुल सही आंसर दे पाए। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इंद्रावती नदी में उत्तर से मिलने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। महानदी में ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उत्तर से मिलने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें करके। अब क्या पूछ रहा है आपको? इंद्रावती नदी में उत्तर से मिलने वाली, कहां से मिलने वाली? उत्तर से मिलने वाली जो नदियां हैं उनको क्या करना है आपको? पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? अपना एक फ्लो चार्ट सबसे पहले तैयार करेंगे, है ना? क्या पूछा जा रहा है आपको? इंद्रावती नदी, ये जो इंद्रावती नदी आपको पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा गया है आपको? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम, कि इसमें उत्तर से मिलने वाली नदियों को आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं, इंद्रावती नदी में आप देखे थे, जब इंद्रावती नदी यहां उड़ीसा से निकलकर आ रही थी, और सबसे पहले कहां प्रवेश की? बस्तर में प्रवेश की। तो बस्तर में इससे सबसे पहले कौन सी एक नदी आकर मिली? तो इससे आकर मिली नारंगी नदी। कौन सी नदी आकर मिली? नारंगी नदी आकर मिली। देखे थे हम कि बस्तर में कौन सी नदी आकर मिली? इससे नारंगी। नारंगी के बाद आपने क्या देखा? बोरडिंग। नारंगी के बाद बोरडिंग नदी। बोरडिंग के बाद फिर कौन सी नदी मिली थी? गुडरा नदी। बोरडिंग के उपरांत गुडरा नदी। गुडरा के उपरांत फिर यहां पर कौन सी नदी मिली? तो निबरा नदी मिली। निबरा के उपरांत फिर यहां पर कौन सी नदी मिलती है? कोटरी नदी मिलती है। तो ये नदियां क्या हो गई? ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तर दिशा से आकर क्या होती है? इंद्रावती नदी में मिलती है। क्लियर? उत्तर दिशा से आकर क्या होती है? इंद्रावती नदी में मिलती है। समझ में आ गया? और दक्षिण से कौन कौन सी मिल रही थी? तो यहां पर आप देखे थे एक चिंतावागु नदी मिल रही थी, चिंतावागु नदी। इसके अलावा यहां डंकिनी नदी और यहां संखिनी नदी। क्वेश्चन देखिए, क्या जमाने बोल रहा है आपको? पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाने बोल रहा है। ये फिर आपको क्या करना है? पश्चिम, ये आपका क्या हो गया? वेस्ट। ये पश्चिम हो गया और ये क्या हो गया? पूर्व। अब पश्चिम से आपको पूर्व के क्रम में जमाना है। कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंग, ये क्या है? सही क्रम है। देखते हैं हम क्वेश्चन को, पश्चिम से पूर्व के क्रम में नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा, कोटरी है क्या? नहीं है। नारंगी क्या है? सबसे पूर्व में स्थित है, इसलिए क्या हो गया आपका? एलिमिनेट। और नारंगी, ये भी एलिमिनेट हो गया। और नारंगी दिख रहा है आपको, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। एक तो क्या बच गया आपका? परलकोट। सर, परलकोट तो कुछ बताया नहीं। तो जो कोटरी नदी है, इसी को क्या कहा जाता है? परलकोट नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कोटरी नदी को पहले क्या कहा जाता था? परलकोट नदी कहा जाता था। समझ में आ गया? कोटरी नदी और परलकोट नदी एक ही है। तो परलकोट या कोटरी, कोटरी के बाद निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और बोर्डिंग के उपरांत नारंगी, ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। कैसे? तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में। समझ में आ गया? ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पहला क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा अलग है? बोल रहा है, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा अलग है? संखिनी, डंकिनी, चिंतावागु और बोर्डिंग। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? जो संखिनी नदी है, ये क्या हो रही है? दक्षिण से आकर मिल रही है।
डंकनी भी दक्षिण से मिल रही है, चिंतावागु भी दक्षिण से मिल रही है, और बोर्डिंग क्या हो रहा है उत्तर से मिल रहा है। इसलिए जो बोर्डिंग है वो क्या हो रहा है इन चारों कथनों में अलग हो रहा है, इसलिए आंसर भी आपका क्या हो जाएगा बोर्डिंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, सबरी नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें। क्या करना है आपको, सबरी नदी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। सबरी नदी के संबंध में क्या है पहला कथन, इसका प्राचीन नाम कोलाब है। दूसरा बोल रहा है सोलेरू पांद्रेरू इसकी सहायक नदी है। तीसरा बोल रहा है कांगेर नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। चौथा बोल रहा है इस नदी पर सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात है। और पांचवा बोल रहा है यह नदी राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। यह नदी राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। क्लियर। तो जो देखिए आप पहला जो बोल रहा है, ये जो सबरी नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है, कोलाब है। यह बिल्कुल सही है। सबरी नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कोलाब नदी के नाम से जाना जाता था। दूसरा क्या बोल रहा है, सोलेरू और पांद्रेरू इसकी क्या है सहायक नदी है। बिल्कुल सही, सोलेरू पांद्रेरू क्या है इसकी सहायक नदी है। अगला है क्या, कांगेर नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। ये गलत है, कांगेर नदी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी, कांगेर नदी एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और कांगेर जो नदी है इस पर प्राकृतिक रूप से भैंसादरहा नामक स्थान पर मगरमच्छों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। साथ ही कांगेर की ही दो और सहायक नदियां हैं, मुनगा और बहार। ये मुनगा और बहार नदी तीरथगढ़ में मिलती है, और उसके उपरांत ये जो मुनगा बहार नदी है ये तीरथगढ़ जलप्रपात का भी निर्माण करती है, और तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। क्लियर। चौथा क्या बोल रहा है, इस नदी पर सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात है। यह कथन भी सही है, सबरी नदी पर सुकमा जिले में गुप्तेश्वर जलप्रपात है। पांचवा बोल रहा है यह नदी राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। यह भी सही है, यह नदी जो है यह राज्य के दक्षिणी सीमा जो कोंटा वाला क्षेत्र है वहां पर छत्तीसगढ़ की सीमा का निर्माण करती है। समझ में आ गया, क्लियर। तो क्या है वो पूछ रहा है आपको, कौन सा कथन जो है वह सत्य है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा सत्य है। पहला दूसरा चौथा पांचवा कहां पर दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारायण पाल का मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। नारायण पाल का मंदिर जो है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है ऐसा बोला जा रहा है। तो जो नारायण पाल का मंदिर है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नारायण पाल जो मंदिर है ये इसका जो निर्माण है, निर्माण कराया था सोमेश्वर देव प्रथम ने। किसने कराया था, सोमेश्वर देव प्रथम। और ये जो सोमेश्वर देव प्रथम थे ये छिंदक नागवंश के सबसे प्रतापी शासक थे। डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग बस्तर का इतिहास पढ़ेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो सोमेश्वर देव प्रथम रहते हैं इनकी माता रहती है गुंड महादेवी। कौन रहती है इनकी माता, गुंड महादेवी, जो कि एक विष्णु भक्त होती है। क्या होती है, विष्णु भक्त होती है, भगवान विष्णु की उपासिका होती है। कौन, गुंड महादेवी, जो कि कौन रहती है, सोमेश्वर देव प्रथम की माता रहती है। तो अपनी माता की विष्णु भक्ति से प्रभावित होकर जो सोमेश्वर देव प्रथम रहते हैं वो क्या करते हैं, नारायण पाल मंदिर का निर्माण करते हैं। और ये जो नारायण पाल का मंदिर है ये इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर है। इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर है। कौन सी आपकी, इंद्रावती और नारंगी नदी। कहां पर दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो इंद्रावती और नारंगी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नारायण पाल का मंदिर किसने बनवाया, सोमेश्वर देव प्रथम ने बनवाया। क्यों, तो अपनी माता की विष्णु भक्ति से प्रभावित होकर बनवाया। ध्यान में रखेंगे इसको, किस वंश के शासक थे, तो छिंदक नागवंश के शासक थे, जिसको हम लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब बस्तर का इतिहास पढ़ेंगे। समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सात धारा जलप्रपात के सात धाराओं में कौन सी धारा शामिल नहीं है। तो ध्यान देना आप, ये जो सात धारा जलप्रपात है ना, ये देख लेते हैं कि जो इंद्रावती नदी है,
ना, इस इंद्रावती नदी पर बस्तर में है एक जलप्रपात जिसका नाम क्या, चित्रकूट जलप्रपात, और दंतेवाड़ा में एक जलप्रपात है जिसका नाम है सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात, ठीक है, दंतेवाड़ा में कौन सा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात। ये जो इंद्रावती नदी है ये दंतेवाड़ा के अंतर्गत जो बोधघाट पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, बोधघाट पहाड़ी, उससे गिर कर क्या करती है, सात धाराओं का निर्माण करती है, इसलिए इस जलप्रपात को क्या कहा जाता है, सात धारा जलप्रपात कहा जाता है। अभी जब हमने पिछले वीडियो में महानदी अपवाह तंत्र जब पढ़ रहे थे हम, तो हम देखे थे कि इसी वीडियो में देखे थे, जिसमें भी देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा, तो एक आपको पॉइंट मिला था कि सात देव धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ऐसा देखे थे हम। तो सात देव धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है क्या, नहीं है, सात देव धारा जलप्रपात बलमदेही नदी पर है। किस नदी पर है, बलमदेही नदी पर है, है ना, और कहां पर है, तो महासमुंद में। और सात धारा जलप्रपात कहां है, तो दंतेवाड़ा में है, और कैस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी कौन से पहाड़ी से गिरकर सात धाराओं का निर्माण कर रही है, तो बोधघाट पहाड़ी से गिरकर सात धाराओं का निर्माण कर रही है, है ना। अब ये जो सात धारा है, इनमें से क्या पूछा जा रहा है, सात धाराओं में से कौन सी धारा जो है वो शामिल नहीं है, बोध धारा, बाण धारा, शिव बाण धारा और कृष्ण धारा। तो जो सात धारा है इनके बारे में आप देख लें, बोध धारा, दूसरा बाण धारा, इसके उपरांत बोध धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, शिव धारा, शिवचित्र धारा, शिव धारा, शिवचित्र धारा और सातवा धारा है कपिल धारा। ये सात धारा है किसके, सात धारा जलप्रपात के, जो कि किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। अब इन सात धाराओं में से क्या शामिल नहीं नजर आ रहा है आपको, शिव बाण धारा, इसकी धारा नहीं है। किसकी धारा नहीं है, तो सात धारा जलप्रपात की सात धाराओं में से एक धारा शिव बाण धारा नहीं है। कौन कौन सी धारा है, तो शिव धारा और शिव चित्र धारा है, है ना, कौन सी धारा है, तो शिव धारा और शिव चित्र धारा है। इसके अलावा और कौन कौन सी धारा, तो बोध धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, शिव धारा और शिवचित्र धारा, इसके अलावा एक आपका कपिल धारा। ये इंद्रावती नदी पर जो सात धारा जलप्रपात है उसकी सात धाराएं हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा बनाती है, कोटरी, बाघ, सबरी और नारंगी। तो जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बाघ नदी है, जो कि कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है, वो क्या करती है, महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा बनाती है। कौन से राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा बनाती है। कौन सी नदी आपकी, तो बाघ नदी। ये जो बाघ नदी है ये वैनगंगा नदी के माध्यम से क्या हो जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस तरह बाघ नदी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो तीन नदी आप ध्यान में रखना, पहला क्या ध्यान में रखना है आपको, तो पहला आपको ध्यान में रखना है इंद्रावती जो कि गोदावरी की सहायक है, दूसरा सबरी वो भी गोदावरी की सहायक, और तीसरा आप ध्यान रखना क्या, बाघ, वो भी क्या है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। लेकिन ये जो बाघ नदी है, यह बाघ नदी गोदावरी में कैसे मिलती है, तो वैनगंगा के माध्यम से मिलती है। तो और इसके अलावा क्या कर रहा है बाघ नदी, तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहा है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कोटरी, नारंगी, गुडरा और डंकनी। देखे थे हम कोटरी नदी कहां से निकल रहा था, तो राजहरा पहाड़ी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी से। नारंगी नदी कहां से निकल रहा था, तो कोंडा गांव से। गुडरा नदी नारायणपुर, अबू झमाड़ से, और डंकनी नदी डांगरी डोंगर, दंतेवाड़ा से। तो इसमें जो कोटरी नदी है वो क्या है, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो कोटरी नदी है इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। कितना है, 135 किलोमीटर है।
समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग कहां से कहां तक है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग कहां से कहां तक है? पहला बोल रहा है सुकमा से राजमुंद्री, दूसरा बोल रहा है कोंटा से कुनावरम, तीसरा बोल रहा है छिंदगढ़ से कुनावरम, और इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र जल मार्ग है वो सबरी नदी पर है। किस नदी पर है? सबरी नदी पर है। सबरी नदी पर ये जो जल मार्ग है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सुकमा जिले के कोंटा से, कहां से? छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक कितने किलोमीटर है? तो 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश में कहां तक? तो कुनावरम तक, और छत्तीसगढ़ के कोंटा से लेकर कुनावरम तक सबरी नदी पर छत्तीसगढ़ की एकमात्र जल परिवहन की जो सुविधा है वो कोंटा से कुनावरम तक है। समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, कोंटा से कुनावरम। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जाटलूर और कुकुर नदी, जाटलूर और कुकुर नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? जो जाटलूर नदी है और कुकुर नदी है वो किस जिले में प्रवाहित होती है? क्या बोल रहा है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। अब मैंने आपको जाटलूर नदी के बारे में बताया था जब मैं आपको दंडकारण्य के पर्वत और पठार क्षेत्र जब पढ़ा रहा था, तो उसमें जब हम लोग अबूझमाड़ की पहाड़ी पढ़े थे तो आप देखे थे कि अबूझमाड़ पहाड़ी से ही गुडरा नदी के अलावा और कौन सी नदी निकल रही थी? जाटलूर नदी निकल रही थी। तो जाटलूर नदी किस जिले में प्रवाहित हो रही है? नारायणपुर जिले में प्रवाहित हो रही है। हो सकता है आपको कुकुर नदी के बारे में ना पता हो, तो ये जो कुकुर नदी है ये भी कहां प्रवाहित हो रही है? नारायणपुर जिले में प्रवाहित होती है। तो आप मान लो एलिमिनेट करते तो आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि जाटलूर नदी क्या है, इंदिरा जो नारायणपुर जिला है वहां पर प्रवाहित हो रही थी। तो अगर आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है और चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो आप कहां पर जाएंगे? नारायणपुर में जाएंगे, जहां पर आपको जिसके बारे में कम से कम 50% आंसर क्या हो चुका है? पता हो चुका है। क्लियर? देखते हैं अपनी अगली नदी। चित्रकूट जलप्रपात के निकट कौन सी गुफा है? चित्रकूट जलप्रपात के निकट कौन सी गुफा है? तो मैंने अभी बताया आपको चित्रकूट जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो वो है आपका इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर कहां? तो बस्तर में। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसमें मिनिमम आपको पूछे कितनी धाराएं प्रवाहित होती है, तो 3 धारा इसमें मिनिमम प्रवाहित होती है। और जब बारिश का दिन रहता है, बाढ़ रहता है, तो अलग अलग जगहों से लगभग 7 धारा इसमें भी क्या होती है? प्रवाहित होती है। किसमें? चित्रकूट जलप्रपात में। इसके अलावा भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम? भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, किसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं? तो चित्रकूट को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। साथ ही ये जो चित्रकूट जलप्रपात है आपका, इस चित्रकूट जलप्रपात का जो आकार है, ठीक है, आकार जो है वो कैसा है? तो घोड़े के नाल के समान है। कैसा है? घोड़े के नाल के समान है चित्रकूट जलप्रपात का आकार। इसके अलावा ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, इस चित्रकूट जलप्रपात के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी स्थापित हैं। क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित है। साथ ही इस जलप्रपात के बाएं दिशा में एक शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के साथ एक पार्वती गुफा भी है। क्या है? शिव मंदिर और पार्वती गुफा है। तो चित्रकूट जलप्रपात के निकट कौन सी गुफा? तो पार्वती गुफा है। समझ में आ गया? ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। और इस तरह आपका कौन सा एक टॉपिक खत्म हो जा रहा है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र खत्म हो जा रहा है। क्लियर है? आगे जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम अपने तीनों अपवाह तंत्र को क्या करेंगे? कवर करेंगे, जिसमें सोनगंगा अपवाह तंत्र, इसके अलावा कौन सा एक अपवाह तंत्र आपका, तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र शामिल होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। आपको मैक्सिमम अपवाह तंत्र में जो अपना 70-80% एफर्ट लगाना है वो आपको महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र में लगाना है। क्लियर? बाकी जो 20-30% बचेगा उसमें आपको क्या करना है? सोनगंगा,
ब्राह्मणी और नर्मदा अपवाह तंत्र को देखना है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, आपको क्या कराया जा रहा है, एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण सीजीपीएससी पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जा रही है, तो आप हमेशा बने रहिए। अगर आपको अपनी सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करनी है तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, रोज आप वीडियो देखिए, और वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक और कमेंट भी करने हैं, जिससे हम क्या हो सके, उत्साहित रह सके और लगातार आपके लिए अच्छा कार्य करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।